Okay, so let us understand the advantages of this tidal energy and disadvantages also. So first we will study the advantages. एडवांटेजेस ऑफ टाइडल एनर्जी हमें निकालना है, तो सोचिए जरा मन में कि बेसिकली हम इस टाइडल एनर्जी को जिस तरह से यूज कर रहे हैं उसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। आपने देखा पानी का लेवल बढ़ा, हमने दूसरी तरफ ले गए पानी, फिर पानी का लेवल डाउन हुआ तो वापस से फ्लो करा दिया। तो ये जो चीज है इसमें हम पानी को यूज कर रहे हैं, क्या पानी कंज्यूम हो रहा है? हम कहेंगे नहीं, पानी कंज्यूम नहीं हो रहा है, पानी की सिर्फ एनर्जी को यूज किया जा रहा है। तो इसीलिए दिस एनर्जी, दिस टाइडल एनर्जी इज अ इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज जो पानी हम यूज कर रहे हैं, जिस पानी से हमने एनर्जी फॉर्म करी, क्या उसे वापस यूज नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं, बिकॉज एक बार वो पानी जब लेवल बढ़ता है तो दूसरी जगह कलेक्ट हो जाता है, फिर जब वो लेवल डाउन होता है तो पानी वापस से सी में ही फ्लो हो जाता है और कहीं नहीं जाता, सी में ही अल्टीमेटली फ्लो करते हैं। तो इस तरह से क्या है, दैट वाटर इज रीयूजेबल, उसे बार बार आप यूज कर सकते हैं, और बार बार यूज करने की वजह से इट इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट थिंग, दिस एनर्जी इज यह एनर्जी पॉल्यूशन फ्री होती है। किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन हो रहा है क्या? कोई फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है क्या? कोई स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है? हम कहेंगे नहीं, ऐसी कोई भी चीज यहां पे नहीं दिख रही है, इसीलिए हम इसे पॉल्यूशन फ्री एनर्जी के नाम से कह सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग इज, इट डू नॉट रिक्वायर्ड लार्ज एरिया। नेक्स्ट थिंग इज, इट डू नॉट रिक्वायर लार्ज एरिया। इसे बनाने के लिए, टाइडल एनर्जी का प्लांट बनाने के लिए, टाइडल एनर्जी की मशीनरी बनाने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा बड़ा एरिया नहीं चाहिए होता। आप छोटे एरिया में भी आसानी से मशीन बना सकते हैं, आसानी से इसका प्लांट डाल सकते हैं। ओके, और जनरली क्या होता है, टाइडल एनर्जी के प्लांट्स ऐसी जगह पे होते हैं जो सिटी से या अर्बन एरिया से या सिविलाइजेशन से, लिविंग बींग से बहुत दूर होती है। ओके, क्योंकि टाइड्स हमें जनरली वहीं दिखते हैं, सी के कोस्ट पे। ओके, तो वो कोस्ट पे जाने के लिए आपको देखेंगे तो कोस्ट के जस्ट आसपास में तो हार्डली ही कहीं पे लोग रहते हैं। ओके, दैट इज द ग्राउंड, ग्राउंड वाला एरिया होता है, तो वहां पे आप इस तरह की चीजें बना सकते हैं। तो इसलिए इस तरह की एनर्जी से किसी को कोई डिस्टरबेंस प्रोड्यूस नहीं होता, ना ये कोई फॉसिल फ्यूल बर्न होता है, ना ही कोई पोल्यूशन होता है, ना ही कोई साउंड पोल्यूशन होता है, किसी तरह का साउंड भी नहीं निकलता। ओके, सिंपल आप वाटर को एक लेवल से दूसरे लेवल में लेके जा रहे हैं और लेवल डिफरेंस की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता टाइडल एनर्जी में कि आपको किसी प्रकार का पोल्यूशन देखने को मिले या फिर किसी प्रकार का एरिया ज्यादा यूज हो रहा हो। एरिया भी बहुत मिनिमम ही यूज होगा। ओके नाउ, और एरिया भी जो यूज होता है दैट इज अ वेस्ट एरिया, वो किसी काम का नहीं है, उस एरिया को हम यूज करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स अ गुड, इट्स एडवांटेजियस टू यूज दैट एरिया। नाउ सबसे बड़ी बात कि ये टाइडल एनर्जी हमें वाटर से मिलती है, ठीक है, लेकिन दिस एनर्जी डू नॉट डिपेंड्स ऑन रेनफॉल। यह एनर्जी रेनफॉल पे तो किसी भी तरह से डिपेंड नहीं करती। रेनफॉल पे डिपेंड क्यों नहीं करती? बिकॉज हम यूज कर रहे हैं टाइड्स की एनर्जी, और टाइड्स प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ मून, मून के अट्रैक्शन से। तो अगर रेनफॉल हो या नहीं हो तब भी नदी में पानी तो रहेगा, वो नदी में जो पानी है वो सॉल्टी वाटर है लेकिन है तो सही, तब भी हम उस एनर्जी को यूज तो कर ही सकते हैं, रेनफॉल से तो उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। इसलिए हमें रेनफॉल की फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप गर्मी हो सर्दी हो या बारिश हो, आप इसे हमेशा यूज कर सकते हैं।
दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ टाइडल एनर्जी. Now let us study the disadvantages. Now we will study disadvantages of tidal energy. The first disadvantage, the most important disadvantage, कि यहां से जो output जो energy मिलती है, that is वेरिएबल आउटपुट एनर्जी. दैट एनर्जी विच विल गेट फ्रॉम द टाइडल एनर्जी इज वेरिएबल इन नेचर. व्हाई इट इज वेरिएबल? इट इज वेरिएबल बिकॉज इट इज वेरिएबल वेरिएबल बिकॉज level difference between high and low tide is variable. जो high tide होता है, high tide और low tide के बीच में एक level difference हमने देखा कि उसे कम से कम 8 meter का होना चाहिए. अगर हाई टाइड और लो टाइड के बीच में डिफरेंस 8 meter से कम है तो एनर्जी हमें प्रॉपर नहीं मिलेगी. उस एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए हमें 8 meter का डिफरेंस चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार डिफरेंस 8 meter का मिले. आपको डिफरेंस कभी कभी कम भी मिल सकता है, कभी हो सकता है ज्यादा भी हो जाए. सो इट डिपेंड्स ऑन द लेवल. ओके, उस समय फुल मून और नो मून की कंडीशन में पता चलता है कि किस तरह से लेवल डिफरेंस आप देखेंगे. और वो लेवल डिफरेंस अलग अलग होता है. अलग अलग लेवल डिफरेंस होगा तो ऑब्वियसली बात है, जो पानी एक जगह से कलेक्ट करा आपने दूसरी जगह फ्लो कराया, इस फ्लो में आप देखेंगे कि वाटर बेसिकली अलग अलग स्पीड से फ्लो होता है. अलग अलग स्पीड से अगर वाटर फ्लो होगा तो अलग अलग स्पीड से टर्बाइन को भी मूव करेगा, और टर्बाइन अलग अलग स्पीड से मूव होगा तो आउटपुट में पावर भी आपको अलग मिलेगी. आउटपुट में पावर भी वेरिएबल मिलेगी. मतलब किसी महीने आपने ज्यादा एनर्जी जनरेट करी, किसी महीने में आपने कम एनर्जी जनरेट करी. ऐसी कंडीशन यहां कॉमनली देखने को मिलती है. नेक्स्ट थिंग इज, जो आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट एफिशिएंसी इज लो. इसमें से जो आउटपुट मिलता है, आपने मशीन लगाई, इतना खर्चा किया, आपने बड़ी बड़ी मशीन्स उसमें इंस्टॉल करी, और मशीन इंस्टॉल करने के बाद आप जब उसे यूज कर रहे हैं तो उसमें आउटपुट बहुत कम मिल रहा है. तो आप ये सोचिए कि अगर आउटपुट कम मिल रहा है मतलब ये एफिशिएंट नहीं है. इसे यूज करना इज नॉट एफिशिएंट. इसकी एनर्जी, इसका जो एफिशिएंसी होती है वो अराउंड 10-12% होती है. इससे ज्यादा एफिशिएंसी नहीं होती. 10-12% एनर्जी को ही ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है. तो इतनी कम एफिशिएंसी होने के बाद हम इसे यूज कैसे करें? ओके, प्रैक्टिकली हाँ यूज होता है, कुछ जगहों पे यूज करते हैं, बट प्रैक्टिकली इट्स नॉट ऑलमोस्ट 100% एफिशिएंट कि आप इसे हर बार यूज करें, हर जगह यूज करें. नेक्स्ट लिमिटेशन इज नॉट ऑल साइट्स आर सूटेबल. आप इसे कहीं पे भी नहीं लगा सकते. आप ऐसा नहीं कर सकते कि घर के पास एक टंकी बना के उसमें इस तरह का सिस्टम लगा दिया और फिर बोला कि टाइड जब, मतलब पानी का लेवल बढ़ेगा जब मून का अट्रैक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली पानी का लेवल बढ़ता हुआ दिखेगा. ऐसा नहीं होगा. आपके घर में पानी की टंकी में कोई लेवल डिफरेंस नहीं देखने को मिलता. ठीक है, आप उसे जज भी नहीं कर पाएंगे अगर कुछ लेवल डिफरेंस होगा अभी तो. सो इसीलिए हर जगह की हर साइट इज नॉट सूटेबल कि आप वहां पे टाइडल एनर्जी को यूज करें, टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें. नेक्स्ट इज कॉस्टली इंस्टॉलेशन.
इंस्टॉलेशन कोई आसान नहीं है, इंस्टॉलेशन कॉस्टली होता है। ओके, कॉस्टली इंस्टॉलेशन है, इसीलिए अगर हम इतना पैसा लगा रहे हैं किसी पावर प्लांट बनाने के लिए, हम टाइडल एनर्जी के लिए प्लांट बना रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और फिर उसमें से हमें आउटपुट ही नहीं मिल रहा, प्रॉपर आउटपुट ही नहीं मिल रहा, तो फिर उसे बनाने का क्या उपयोग, उसे बनाने का क्या यूज? क्या आप उसे बना रहे हैं बट आउटपुट नहीं मिल रहा, तो ये तो आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो हम ऐसा नहीं चाहते कि पैसा वेस्ट हो, तो इसलिए हम ऐसी चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश करते हैं जिनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो। तो आप देखते हैं कि कोल हुआ या ऑयल हुआ, इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, एफिशिएंसी ज़्यादा होने की वजह से हम इस पर पैसा लगाने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस तरह की एनर्जी में क्या है, आपको एफिशिएंसी नहीं मिल रही, आउटपुट ही नहीं मिल रहा। मतलब आपने आज अगर टाइडल प्लांट लगाया तो आपको आज 20 साल बाद जाके आप टोटल अपनी कॉस्ट निकाल पाओगे। ओके, आपने आज 100 रुपीज लगा के एक प्लांट बनाया, सो आप वो 100 रुपीज निकालने के लिए आपको 20 साल लग जाएंगे। सो इसीलिए टाइडल एनर्जी पावर प्लांट हर जगह यूजफुल नहीं होता। और सबसे बात, मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई। इस तरह के प्लांट को, इस तरह के एनर्जी प्लांट को मेंटेन करने की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। व्हाई? बिकॉज समुद्र का जो पानी है, सी वाटर जो है, इट्स सॉल्टी, उसमें सॉल्ट है। सॉल्ट होने की वजह से क्या होगा, सॉल्ट होने की वजह से वो इक्विपमेंट्स को खराब करता है। ओके, इक्विपमेंट्स खराब होंगे, उनका डीके होगा, तो वह डीके को भी हमें मेंटेन करना है। सो इसीलिए इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा पड़ती है, दैट्स वाई हम इसे ज्यादा यूज नहीं करते। ओके, सो दिस आर द सम डिसएडवांटेजेस। नाउ खास बात, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में वी हैव ह्यूज पोटेंशियल ऑफ टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इंडिया में। व्हाई? बिकॉज इंडिया पूरा एक तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, ओके, वो कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, इट्स अराउंड 6,000 किलोमीटर, इतनी लंबी कोस्ट लाइन है इंडिया की। अगर आप देखेंगे तो जो वेस्ट बंगाल है उसके पास से हमारी कोस्ट लाइन शुरू होती है और कंटिन्यू होते होते श्रीलंका से पास होते हुए कंटिन्यू अप टू गुजरात और गुजरात से आगे की तरफ में वो मूव करती है। तो इतना बड़ा अगर हमारा कोस्ट लाइन है तो हम इसे बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं और इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी, तो हम बड़े आसानी से टाइडल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोस्ट लाइन बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। लेकिन इंडिया में पूरी तरह से यूज़ नहीं होता है, इंडिया में बहुत कम ही यूज़ दिखाई देता है। अभी करंटली जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, दे आर, नंबर वन इज गल्फ ऑफ कैम्बे। गल्फ ऑफ कैम्बे, कैम्बे, दिस गल्फ, गल्फ मतलब एक समुद्र के बीच की जगह। ओके, एक लैंड एरिया, एक समुद्र का एरिया जो कि पूरी तरह से लैंड से घिरा हुआ हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द लैंड, ओके, लेट अस से दिस इज सम एरिया, दिस इज सम एरिया एंड यहां पे पूरा पानी है। सबसे जरूरी है हमें ये आइडेंटिफाई करना कि व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय गल्फ। दिस इज वाटर। ये पूरी तरह से पानी है। सो गल्फ इज बेसिकली एक ऐसा एरिया, एक सी का ऐसा एरिया जो कि लैंड से कवर्ड है। तो यू कैन सी दिस एरिया, अगर आप इस एरिया को ध्यान से देखें तो ये क्या है, यहां पे पूरी तरह से लैंड है और यहां पे ये पानी है। तो अगर मैं यहां पे कुछ इस तरह से एक टाइडल एनर्जी का प्लांट बना दूं, यहां पे ऐसा लगा दूं, यहां पे ऐसा गेट लगा दूं,
तो क्या होगा, ये लेवल बढ़ेगा पानी का, तो यहां पे क्या है, यहां पे तो पानी कम है, ये ऑलमोस्ट एक रिजर्वायर है। ओके, सो मैं यहां पे जैसे ही पानी का लेवल बढ़ेगा इसे कलेक्ट करके यहां रख देता हूं, और जैसे यहां से पानी का लेवल घटेगा इस पानी को वापस फ्लो करा देता हूं। तो ये गल्फ का जो एरिया होता है, हम जनरली गल्फ के एरिया में बहुत अच्छे से बना सकते हैं टाइडल एनर्जी पावर प्लांट्स, गल्फ एरिया में बहुत कंफर्टेबली बनाए जा सकते हैं। और जैसे ये एरिया है यहाँ पे आप बना सकते हैं, उसी तरह से दिस एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा पानी है और यहाँ पे इस तरह से लैंड है। तो ये एक वाटर बॉडी है जो कि ऑलमोस्ट हर तरफ से लैंड से घिरी हुई है, तो इसीलिए हम यहाँ पे भी ऐसा एक प्लांट बना सकते हैं। ओके, ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ऊपर से आपको कैसा दिखेगा, टाइडल प्लांट आपको ऐसा दिखेगा, टाइडल एनर्जी पावर प्लांट कुछ ऐसा एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। और सिमिलरली दिस एरिया ऑल्सो इज काइंड ऑफ गल्फ, आप इस तरह से यहाँ पे ऐसा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ओके, ऐसा आप बना के और बड़ी आसानी से इस टाइडल एनर्जी को यूज कर सकते हैं। तो ऐसे एरियाज इंडिया में बहुत सारे हैं, ऐसे गल्फ जिसे हम कहते हैं। तो सबसे अच्छा जो गल्फ है जहाँ पे अभी टाइडल पावर प्लांट इंस्टॉल्ड है, उसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ कैम्बे, ये गुजरात में है। ओके, इन गुजरात स्टेट यू विल फाइंड गल्फ ऑफ कैम्बे। सिमिलरली सेकेंड वन इज गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ में भी एक गल्फ है, कच्छ इज अगेन इन गुजरात, गुजरात स्टेट में होगा, गुजरात स्टेट में है ये। और कच्छ में वापस एक गल्फ आप वहां देख सकते हैं, और वहां पे भी आप टाइडल पावर प्लांट को देख सकते हैं, वहां पे इंस्टॉल्ड है। उसकी कैपेसिटीज जो गल्फ में है उसकी कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 700 मेगावाट, और जो कच्छ में टाइडल पावर प्लांट है उसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 1000 मेगावाट। सो पूरी तरह से इंडिया में हम हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त टाइडल एनर्जी को, लेकिन अगर हम पूरी तरह से टाइडल एनर्जी हार्वेस्ट करें सो इट मे कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 10-20-30% ऑफ द एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया, इतना वो यूज कर सकते हैं। बिकॉज 6000 किलोमीटर लंबी हमारी कोस्ट लाइन है, तो उस कोस्ट लाइन को पूरी तरह से यूज करें तो 20-30% तो ऐसे ही हम एनर्जी जनरेट कर लेंगे। सो इतना कोई बड़ा टास्क नहीं है, बट हाँ बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस हम देखते हैं कि इंडिया में एनर्जी जो टाइडल एनर्जी है उसका यूजेज बहुत कम है। सिमिलरली गल्फ के बाद सुंदरबंस, जो सुंदरबन फॉरेस्ट है आप देखते हैं कि वो सुंदरबन फॉरेस्ट का भी एक तरफ का एरिया वहां पे गल्फ बना हुआ दिखाई देता है, उस गल्फ को भी आप यूज कर सकते हैं। वहां पे भी एक गल्फ है जहां पे टाइडल पावर प्लांट लगा हुआ है और उसकी कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 600 मेगावाट्स। ओके, तो इंडिया में ये तीन जगह पे, सुंदरबन इज इन वेस्ट बंगाल, ओके वेस्ट बंगाल स्टेट में ये दिखता है। देन ये तो हुई इंडिया में, लेकिन सबसे बड़ा टाइडल पावर प्लांट, इफ यू टॉक अबाउट द लार्जेस्ट, टाइडल पावर प्लांट, तो लार्जेस्ट टाइडल पावर प्लांट इज इंस्टॉल्ड इन फ्रांस, ये फ्रांस में इंस्टॉल्ड है, और जिस रिवर पे ये इंस्टॉल्ड है उसका नाम है रिवर रैंस, रैंस नाम के रिवर पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा टाइडल एनर्जी पावर प्लांट इंस्टॉल्ड है, और रिवर रैंस इज इन फ्रांस। So this is what about the tidal energy, this is the basic of the tidal energy, so you can note this. Okay, now we will study the second kind of ocean energy, that is the wave energy. Wave energy is exactly the wave, the energy in the wave of the water. जो पानी में वेव चलती हैं, जो ओशन और सी में आपने देखा होगा लहरें उठती हैं, that possesses some energy. क्यों? Because वो लहरें मूव कर रही हैं. तो अगर कोई भी चीज़ मूव करती है तो हमने कहा था उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, तो हम उस वेव की काइनेटिक एनर्जी को उस वेव की हम काइनेटिक एनर्जी को यूज कर सकते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज वेव एनर्जी, इट इज दी एनर्जी पोजेस्ड बाय
वेव्स इन ओशन एंड सी इज द वेव एनर्जी, और ओशन में जो वेव उठ रही है उसे हम कहते हैं वेव एनर्जी. दिस एनर्जी इज इट इज बेसिकली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग वेव्स. तो ये एनर्जी कौन सी है? ये एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ दोज वेव्स. जो वेव मोशन कर रही है, ऐसा ऐसा मोशन कर रही है वो, उनकी एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी को हम कहते हैं वेव एनर्जी. नाउ अब ये बनी कैसे, ये वेव एनर्जी आई कैसे? सो हम कहेंगे वेव एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम सोलर एनर्जी. वेव एनर्जी बेसिकली सोलर एनर्जी से ही डिराइव हुई है, ये कोई अलग चीज नहीं है, ये एक्चुअल में सोलर एनर्जी ही है. सोलर एनर्जी से आप जानते हैं सारी जो भी एनर्जीज होती हैं, मैक्सिमम एनर्जीज विंड एनर्जी हो गई, या स्टॉर्म हो जाते हैं, या रेनफॉल जो होते हैं, ठीक है, ये या फिर विंड विंड का मूवमेंट है, ये सभी क्यों है? ये सभी बिकॉज ऑफ सोलर एनर्जी है. तो ये वेव एनर्जी भी इज नो डिफरेंट. अगर आप ध्यान से सोचें तो सोलर एनर्जी से वेव एनर्जी कैसे बनती है? अगर हम प्रेशर डिफरेंस की बात करें, अगर हम विंड की बात करें, तो विंड का मूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस. एक जगह प्रेशर कम हो गया, दूसरी जगह प्रेशर ज्यादा हो गया, तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर में एयर मूव कर जाएगी और इसे हम विंड कहते हैं. तो समुद्र के ऊपर, जस्ट सी के ऊपर जो एयर होती है, आप जानते हैं कि वाटर जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है, ओके, और धीरे धीरे ठंडा होता है. तो अगर सूरज आया और सनराइज हुआ, सनराइज से क्या हुआ, धीरे धीरे हीट प्रोड्यूस होने लगी, और हीट से क्या हुआ, सरफेस गर्म होने लगी. लेकिन जितनी जल्दी सरफेस गर्म होगी उतनी जल्दी वाटर गर्म नहीं होगा. तो आप देखेंगे कि वाटर के जस्ट ऊपर वाली एयर गर्म नहीं होगी और सरफेस के जस्ट ऊपर वाली एयर ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगी. तो यहां पे क्या होगा, इस तरह के फिनोमेना होने से एयर का मूवमेंट होगा और विंड चलने लगेगी. तो इसका मतलब ओशन के ऊपर से भी विंड्स जाती हैं, ओशन के ऊपर से भी विंड मूव करती है, बिकॉज 70% तो अर्थ पानी ही है. तो विंड अगर मूव कर रही है तो ऑब्वियसली बात है ओशन के ऊपर से जाएगी. तो जो विंड ओशन के जस्ट ऊपर से मूव करती है वो क्या करती है, वो धीरे धीरे ऊपर के जो सरफेस का जो वाटर है, उस ओशन का पानी है, उस पानी को भी धीरे धीरे मूव कराने लगती है. कुछ इस तरह से ये फिनोमेना होता है. दिस इज द वाटर इन द ओशन. जैसे ही यहां पर से विंड आगे की तरफ ब्लो होनी शुरू हुई इस तरह से, तो ये ब्लोइंग विंड ने क्या करा, ये ब्लोइंग विंड ने बेसिकली इस वाटर को भी ऐसा आगे की तरफ मूव कराना शुरू कर दिया. तो ये जो चीज बनी, दिस इज बेसिकली दी वेव, इसे हम वेव कहते हैं. और इसके पास जो एनर्जी है वो किस तरह की है, काइनेटिक एनर्जी. क्यों? क्योंकि ऐसा आगे आगे मूव कर रही है, इस तरह से मूव करती जा रही है, और मूव करने से ये वेव फॉर्म हो रही है, और इसकी एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं. अगेन आप देखेंगे तो इसकी एनर्जी को हम कैसे यूज करेंगे, इसकी एनर्जी को हम यूज करेंगे टू फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. सो वी विल से वेव एनर्जी कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. आप इस वेव एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म कर सकते हैं. नाउ अब ये वेव बनी किसमें है, ओशन में और सी में, जो कि कैसा वाटर है, सॉल्टी वाटर. ओके, दिस इज अ सॉल्टी वाटर. सो वी विल से कि सॉल्टी वाटर है, और अगर आपने लेट से
इसे यूज करना है। तो आप क्या करोगे, आप इसे यूज कैसे करोगे, ये जो वेव मूविंग है आपने इसके आगे एक ऐसा टर्बाइन फिट कर दिया, इस तरह से आपने एक टर्बाइन फिट कर दिया और टर्बाइन के साथ आपने एक जनरेटर फिक्स कर दिया। नाउ अब ये वेव जब मूव करेगी तो क्या होगा, ये इस जनरेटर इस टर्बाइन को हिट करेगी, टर्बाइन को हिट करने से टर्बाइन रोटेट होगा, रोटेट होने से क्या होगा, जनरेटर मूव करेगा, जनरेटर के मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से मैं इस वेव एनर्जी को यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं आप ऐसा स्ट्राइक करेगा और ये मूव करेगा। तो हम जनरेटर क्या करेंगे, हम टर्बाइन और जनरेटर का जो सिस्टम है उसको वेव के सामने फिट कर देंगे। तो जैसे ही वेव आएगी फटाफट से ये एनर्जी इसको देगी और दिस टर्बाइन विल स्टार्ट मूविंग। ओके, बट ये जो वाटर है ये ओशन का है और सी का है। सो ओशन और सी में सॉल्टी वाटर होता है, सॉल्टी वाटर होने की वजह से ये जनरेटर लंबे समय तक आउटपुट नहीं दे पाता, ये टर्बाइन लंबे समय तक काम नहीं कर पाता। व्हाई, बिकॉज इसका जो सर्किट्स होता है, इसका जो इंस्ट्रूमेंट है, इसका जो पैनल है, उसमें सॉल्ट एंटर हो जाता है और सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है, डिपॉजिट होने से ये चीजें खराब हो सकती है। ओके, सो यू विल फाइंड कि ये टर्बाइन और ये जो सिस्टम है जनरेटर का, ये सॉल्टी वाटर में बहुत लंबे समय तक काम नहीं दे पाता, इसलिए हम वेव एनर्जी को ज्यादा यूज नहीं कर सकते। सो वी विल से देयर इज अ लिमिटेड स्कोप टू यूज वेव एनर्जी। ओके, बिकॉज ऑफ दिस सॉल्टी वाटर दिस वेव एनर्जी कांट बी हार्नेस्ड एवरीवेयर। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ दिस एनर्जी, अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, सो द फर्स्ट एडवांटेज इज दैट इट इज अवेलेबल फ्रीली। क्या वेव एनर्जी लेने के लिए, क्या समुद्र की लहरों को फील करने के लिए, उनको यूज करने के लिए आपको किसी प्रकार का पे करना पड़ता है? हम कहेंगे नहीं, इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते, इसलिए इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस। ओके, सेकेंड थिंग इज इट कॉजेज नो पॉल्यूशन, किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन इससे क्रिएट नहीं होता। ओके, इससे किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता। थर्ड थिंग इज इनएक्सपेंसिव, ये कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सिस्टम नहीं है, इसको इंस्टॉल करना बहुत कॉस्टली नहीं होता, एक लिमिटेड कॉस्ट होती है। ओके, ऐसा नहीं है कि बहुत पानी जैसे आप पैसा बहा रहे हैं, ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, थोड़े से कॉस्ट में आप अच्छे से एक वेव एनर्जी पावर प्लांट इंस्टॉल कर सकते हैं। नाउ वेव एनर्जी पावर प्लांट बनता कैसे है, हमने ये देखा, ऐसा टर्बाइन आपने ऐसा सीरीज में बहुत सारे टर्बाइंस लगा दिए, तो जैसे ही समुद्र की वेव आती है, समुद्र की वेव आपने देखा है बहुत बड़ी बड़ी होती है, इट्स वेरी लेंदी, वो कई किलोमीटर्स तक स्ट्रेच होती हैं। ओके, तो उन किलोमीटर लंबी वेव्स को आप यूज कर सकते हैं बहुत सारे टर्बाइंस इंस्टॉल करके। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, इनएक्सपेंसिव तो है बट लंबे समय तक यूजेज नहीं देगा, कम समय तक ही यूजेज देगा। सो लेट अस राइट द डिसएडवांटेजेस अगर हम वेव एनर्जी के डिसएडवांटेज की बात करें, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज इज नॉट सुइटेबल एवरीवेयर, इट इज नॉट सुइटेबल एवरीवेयर, हर जगह इसको आप नहीं लगा सकते। सेकेंड डिसएडवांटेज, आउटपुट पावर इज वेरिएबल, जो इससे पावर हमें मिलती है वह पावर भी वेरिएबल होती है। अब वो पावर वेरिएबल क्यों होती है, बिकॉज ये जो वेव जनरेट हो रही है क्या ये कांस्टेंट होगी, क्या ये हमेशा एक जैसी होगी, हम कहेंगे नहीं, हो सकता है कि गर्मी के सीजन में ये वेव ज्यादा पावरफुल हो। ओके, सर्दी के सीजन में हो सकता है ये वेव इनकी पावर कम हो जाए, तो इट इज पॉसिबल कि ये वेव जो होगी अलग अलग वेरिएशंस में आएगी, इसलिए इसका जो आउटपुट मिलेगा हमें पावर का वो भी अलग अलग मिलेगा। देन थर्ड इज
द सिस्टम शुड बी वेरी रफ एंड टफ। आपको जो ये जनरेटर और टर्बाइन का सिस्टम इंस्टॉल करना है, दिस सिस्टम शुड बी वेरी रफ एंड टफ। व्हाई? बिकॉज आपने देखा है कि जो लहरें उठती हैं, जो वेव्स उठती हैं, दे कैन गो अप टू मेनी मीटर्स ऑफ हाइट। वो बहुत ऊंची हाइट तक जा सकती हैं और फिर नीचे आ सकती हैं। तो अगर इतनी हाइट वाली, इतनी पावरफुल वेव्स अगर आके इस टर्बाइन और इस सिस्टम को स्ट्राइक करेंगी, तो ये टूट सकता है, ये खराब हो सकता है। हेंस हम ये चाहेंगे कि ऐसी कोई भी वेव, ओके, जब बहुत ज़्यादा हैवी वेव्स आती हैं, तो उस तरह की वेव्स किसी भी प्रकार से इस सिस्टम को तोड़े नहीं, इस सिस्टम को इफेक्ट नहीं करे। तो इसीलिए हमें इसे रफ एंड टफ बनाना है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपने बना दिया सिस्टम, लगा दिया उसको, लेकिन अगर वेव बहुत ज़्यादा पावरफुल आ गई, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल वेव से क्या होगा, वो सिस्टम ही टूट जाएगा। सिस्टम खराब हो गया तो आपका पावर प्लांट बंद हो जाएगा। तो इसीलिए सिस्टम रफ एंड टफ, आप अब ये लिमिट आप पता नहीं कर सकते। आपने बोला कि रफ एंड टफ है, लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल वेव आ गई, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये खराब तो होना ही होना है। तो ये इसका सबसे बड़ा एक लिमिटेशन है। देन फोर्थ लिमिटेशन, इसकी एफिशिएंसी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, बिकॉज वेव पूरे दिन नहीं आती। आप देखते हैं कि जो समुद्र में वेव आ रही है, ऐसा नहीं कि 24 घंटे चलती रहे, 24 आवर्स के लिए नहीं होती। कुछ समय आती है, फिर रुक जाती है, फिर कुछ समय आती है, बिकॉज जो विंड का मूवमेंट है, जो विंड है, विंड की डायरेक्शन कभी भी सडनली चेंज हो सकती है, विंड कभी भी सडनली रुक सकती है। ये आपने देखा है, चलती हवा का डायरेक्शन कभी भी बदल जाता है। तो इसीलिए अभी मान लीजिए एयर इस तरह से जा रही है, तो ये ऐसा मूव करेगा। अब एयर का डायरेक्शन ऐसा हो गया, तो ये ऐसा मूव करेगा, तो कभी आपका टर्बाइन ऐसा घूम रहा था, कभी आपका टर्बाइन ऐसा घूमेगा। सो इसीलिए इसकी एफिशिएंसी कोई बहुत खास नहीं होती, ओके, इट्स लिमिटेड एफिशिएंसी। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस एंड सम एडवांटेजेस। एंड इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, सो इन इंडिया यू विल फाइंड अ वेव एनर्जी पावर प्रोजेक्ट ऑफ ऑलमोस्ट 150 मेगावाट्स इज इंस्टॉल्ड नियर त्रिवेंद्रम। इंडिया में क्या है, इंडिया में वेव एनर्जी प्लांट एक 150 मेगावाट्स का एक पायलट प्रोजेक्ट काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि हम कितना अच्छे से इसे यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करना है, ये सारी डिटेल्स हमें नहीं पता। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, हम अभी सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर की जाती है, लेट्स से कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप क्या करते हैं, आप एक चीज़ पहले बना के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको केक बनाना है, तो ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे 10-12 केक एक साथ बना देते हैं। आप पहले एक केक एक सैंपल बना के देखते हैं कि हाँ ये अच्छा बना है कि नहीं, अच्छा नहीं बना तो वापस से बनाते हैं, ओके। सो ये सारी चीज़ें, क्या कमी रह गई, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ये सारी चीज़ें आप कैसे करते हैं, आप पहले एक छोटा केक बनाते हैं, आप देखते हैं कि कैसा है वो, ओके। अगर वो सक्सेसफुल होता है तब उससे बड़ा बनाते हैं, फिर और सक्सेसफुल होता है तब उससे बड़ा बनाते हैं। सो पहले जो चीज़ की जाती है, कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम करने में पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च होता है। सो दिस इज काइंड ऑफ पायलट प्रोजेक्ट। आपने एक छोटा सा प्लांट बनाया, ये देखा उसकी एनर्जी इतनी, इसका आउटपुट इतना है, सो अगर ये सक्सेसफुल रहा तब आप फर्दर उसको कंटिन्यू करते हैं। सो इस तरह से वेव एनर्जी कोई खास इंडिया में हार्नेस नहीं होती, इवन द वर्ल्ड में भी कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी वेव एनर्जी से नहीं मिलती। सो बट हाँ, दिस इज़ पॉल्यूशन फ्री एंड दिस इज इनएक्सपेंसिव, दैट्स व्हाई हम इसे यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ ये इसका डिसएडवांटेज कि इससे जो मैराइन लाइफ है, वो लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, फिशेस को या जो लिविंग बींग्स है वाटर में, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, बिकॉज दिस जनरेटर्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ओके, यहाँ से पॉल्यूशन क्रिएट होता है उस पानी के अंदर। सो दिस इज़ वॉट अबाउट द वेव एनर्जी, यू कैन नोट दिस।